हेलो, आप देख रहे हैं dilalantop.com। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं आयुष। आयुष आईटी गुवाहाटी से हैं और हमारे साथ इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए हैं, और यहां इनसे हम नाना प्रकार के काम कराते रहते हैं, पानी भरने से लेके स्टोरीज करने तक। और अच्छा लिखते हैं और ये बहुत सीखना भी चाहते हैं। तो एक दिन इन्हें ये काम दिया गया था, एक कविता दी गई थी, उससे रिलेटेड कुछ काम था। और जब वो चेक करने हम पहुँचे कि काम कहाँ तक पहुँचा, तो हमको एक कागज़ दिखा जिस पर ये डूडलिंग कर रहे थे। और दिमाग ऐसा जाता है साथ में कि भाई क्या चल रहा है, और वो कागज़ मैंने इनके जुर्म का सबूत अपने साथ रखा हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या चाहते हैं आप, मतलब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच के गैप में आए हैं, मशीन लैंग्वेज सीखने का कोई मौका छोड़ के ललन टॉप आए, तो क्या आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं, गोदागादी कर रहे हैं कागज़ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं याद कर रहा हूँ कविता। किसकी कविता है ये? रामधारी सिंह दिनकर की कविता। अच्छा, और क्या नाम है? चांद और कवि। चांद और कवि, और क्या मतलब उसकी लाइन्स हैं? रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जागता न सोता है। तो इतनी गंभीर कविता के बाजू में डूडलिंग हो रही थी, और ये कह रहे थे कि ये इसे याद करने का एक तरीका है। तो मुझे बड़ा मतलब क्यूरोसिटी हुई कि यार ये क्या है। तो इन्होंने बताया कि ये याद करने की एक टेक्निक है, मैं एक तरह के डाटा को दूसरे तरह का डाटा बना के एसोसिएट करके याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस टेक्निक को कहते हैं निमोनिक्स। तो मैंने कहा कि यार ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम दिमाग में कैरी करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं। तो क्या होता है निमोनिक्स, शुरू से बताओ। निमोनिक्स किसी भी तरीके से हम चीज़ों को आसान बनाते हैं अगर अपने लिए याद करने के लिए, तो उस टेक्निक को, उस सेट ऑफ टूल्स को एक बड़ी कैटेगरी के अंदर रखा गया है जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। ये शब्दों से लेके इवेंट्स से लेके सारी चीज़ों को याद करने के लिए एक टेक्निक है। इसमें ये तो इस गोदागादी के अलावा भी होता है कि निमोनिक्स, मतलब ये जैसे मैंने ये वर्ड्स हैं तो मैंने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, मतलब एक चित्र बना दिया है। तो ये वैसी तरीका है जैसे कि अगर आपको एक किसी भी चीज़ पर कुछ पढ़ने को दिया जाए तो आप बुक पढ़ेंगे, या तो आप हो सकता है उस पर डॉक्यूमेंट्री देखें, या हो सकता है आप उस पर जाकर फील्ड स्टडी करें। तो ज़्यादा बेहतर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो दूसरे या तीसरे तरीके से होगी। तो जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर पाते हैं दूसरी चीज़ों से, उतना ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो निमोनिक्स इसी का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाई जाती हैं, वर्ड्स हो गए या दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर लेना उसको कहते हैं। और एक पहला सवाल मेरा यही है, मतलब जानने के बाद कि ये क्या होता है, कि इंजीनियरिंग से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो जितना जार्गन वो देते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसकी स्पेलिंग कुछ होती है और वो कहे कुछ जाते हैं। निमोनिक्स लिखते कैसे है पहले बताओ। स्पेलिंग में निमोनिक्स का थोड़ा सा लफड़ा है, क्या है कि निमोनिक्स में एम से शुरू होता है, तो एम इसमें साइलेंट है, एम एन ई एम ओ एन आई सी एस, ये इसकी स्पेलिंग है, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। और इसे इसको याद करने का कोई आसान निमोनिक नहीं है? नहीं, ये आयरनी है कि मतलब निमोनिक्स वैसे तो दूसरे वर्ड्स को याद करने के लिए आसान बनाता है, पर निमोनिक्स को याद करने के लिए कोई निमोनिक नहीं है। इसका ये कैसे नाम पड़ा निमोनिक्स का? निमोनिक्स क्या है कि जैसे अपने इंडियन माइथोलॉजी में या हिंदू माइथोलॉजी में सरस्वती जी होती हैं, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में उनकी जो सरस्वती माता है उनका नाम है निमोज़ाइन। अच्छा, मतलब वो गॉडेस ऑफ मेमोरी है। अच्छा, तो वहाँ से ये मेमोरी को एसोसिएट करने के लिए टेक्निक बनाया, उसने निमोनिक्स का नाम रख दिया। क्या क्या जैसे कोई और एग्जाम्पल है इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अलावा? जैसे कि मतलब बहुत सारी, वो जनवरी फरवरी वाला क्या बता रहे थे, मतलब ये जैसे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो आसान करती हैं, जैसे हम ये देखते हैं ना मंथ्स में कि किस मंथ में 31 दिन है, किस में 30 दिन है, तो हम ऐसे करके कर लेते हैं कि ये जनवरी जो ऊंचा है वो 31 दिन वाला है, जो जिसमें डिप्रेशन है ना जो इसकी जगह, वहाँ पे 30 दिन या 28 दिन वाला है। ठीक है, और कोई तरीका? मतलब ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है टेक्निक। तो उनको क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, पर सारी चीज़ें तो इंटरेस्टिंग होती नहीं है। तो इनको जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि कौन सा मेटल पहले आया सिविलाइजेशन का, जैसे जैसे दौर बढ़ा, तो वो याद कर लेते हैं कि सीबीआई। ठीक, तो कॉपर ब्रोंज आयरन, पहले कॉपर आया फिर ब्रोंज आया फिर आयरन आया। और दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे कि उनको रहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ है। तो GPRS, मतलब लोकेशंस के लिए हम GPRS बहुत फेमस है, तो उससे एसोसिएट करके G फॉर गुजरात, P फॉर पंजाब, R फॉर राजस्थान एंड S फॉर सिंध, तो ये GPRS है। और भी जैसे
तरीके होते हैं कि कोई गाना वाना बना के याद कर लो वो भी। हाँ ये भी जैसे जैसे मतलब हम लोग के बीच में बहुत पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी 2 साल पहले ये टेक्निक पता चली है। हमने 11th 12th में भी इसका यूज़ किया था, जैसे पीरियोडिक टेबल जो हमें याद करनी होती है, तो उसमें हलीना ने की रब से फरियाद, ये एक सेंटेंस बना लिया। हाँ। अब इससे पूरे जो फर्स्ट कॉलम है पीरियोडिक टेबल का वो आ जाता है HLINAKRBCS, हलीना ने की रब से फरियाद। हाँ सही है, CSR CSFR। ये भी ये टोटल इंजीनियर आदमी, इसने इसकी भी पावती बना के रखी। इसके बिना पेपर दे देते हो? हाँ दे देते हैं, वो तो क्या है। कितना कितना है अभी स्कोर, कितना चल रहा है? वो रहने दीजिए, वो गोपनीय बातें। हाँ ठीक है, तो जो बातें गोपनीय नहीं है और जो बातें आपके जाने लायक हैं, जैसे कि निमोनिक्स, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिससे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा आप याद कर सकते हैं कोई आसान तरीका गढ़ के, वो पहले से बना हुआ तरीका भी हो सकता है या आपका ही अपना इंजीनियस तरीका भी हो सकता है, उसे निमोनिक्स कहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोग इस बात को पहले से जानते हों, उसको इस्तेमाल करते हों, लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म है और उसकी जिसको एटमोलॉजी कहते हैं कि नाम कैसे आया है ना, वो नहीं पता होती है। और यही मकसद था ये सारी जानकारी शेयर करने का इस वीडियो में हमारा। साइकोलॉजी भी जान लें इसके पीछे बताओ काम करता है। बताओ कैसा है कि जैसे मतलब हमारे जो मेमोरी हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन कोई भी, तो वो अलग अलग डॉट्स रहते हैं और हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि उन डॉट्स को अगर हम जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ना उतना ज़्यादा वो हमारे दिमाग में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को ये लगता है कि जैसे आपकी मेमोरी या कोई भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक गाय की तरह है। आप गाय को अकेला छोड़ देंगे तो वो कहीं भी चरने भाग जाएगी, आप दो गायों को साथ में बांध देंगे तो वो दोनों गाय उनके एक जगह रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके आप जितनी गायों को साथ में बांध देंगे तो वो आपके खाने में टिकी रहेंगी। हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मुझे भी इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन था जो मुझे पूछना था, उससे पहले मैं अपने क्लोजिंग बोल गया। एनीवेज इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ और बचा तो नहीं है? कुछ और तो नहीं, नहीं बचा है। ठीक है निमोनिक्स का इस्तेमाल, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये कैसे इस कविता को मैंने। अच्छा ठीक है एक हम एग्जाम्पल भी देंगे इसका, एक पैराग्राफ तुम बना के बताओगे तुमने कैसे किया है। ठीक है हमारे पास पावती भी है, मतलब खाली पावती है जिसको कागज़ कहते हैं, पेज भी है। जैसे कि ये पहली लाइन है कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, तो ये अपन ने चांद बना लिया और ये थोड़ा सा और ये कहने लगा, तो इसमें इसके लिए अपन ने बना दिया माइक। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, आदमी बना देते हैं अनोखा जीव आदमी, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, ये फंसने के लिए अपन ने बना दिए दलदल। उलझने अपनी बनाता मतलब ये दूसरा ये खुद ही है वो, ये कुछ ऐसे दलदल को खुद बना रहा है ऐसे, है ना। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, तो सोने के लिए अपना फेवरेट बिस्तर, और ये जिस पे बेचैन आदमी जो जागा हुआ है इसको नींद नहीं आ रही। तो रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। वाह तो मतलब कॉमिक्स टाइप का। हाँ। मतलब समझ रहे। अगर इस तरह की और IIT टाइप की टेक्निक्स आप जानना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस देखा कीजिए, और उनको देखने का ठिकाना एक ही, हमारा फेसबुक पेज ललन टॉप। और अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देखना चाहते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।